अनीता हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए। वो सब साल भर पहले तो हमारा साथ इतना अत्याचार किया है, सब जान रही हैं, हैं? बेटा के अत्याचार किया हम जान रहे हैं। बेटा देखे, कुछ भी किया है आप तो कहने का मतलब अपहरण किया बेटा को, तो तुम नहीं रहती तो मेरा बेटा मिल सकता था, हैं? मिल सकता था। नहीं कोई कीमत कोई कीमत नहीं तुम्हें, इसलिए हम भगवान बोला, इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं कि देखो वो अत्याचारी आदमी है, फिर जानती हैं का किया, उतना तो उतना पैसा ठगा लूटा सब ले गया, फिर भी हम लोग कहे कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई केस मुकदमा नहीं किया, छोड़ दिए ना। तुम पूछते पहले हम करवे नहीं किए थे, आप फिर जानती हो 28 तारीख हुआ के 28 के बीच में फिर पुलिस हाँ 5-6 पुलिस रात में लेके आ फिर पहुंचल था शंभू पूनम। अरे अरे जा रहा है सब दरवाजा मेरा खुलवा के पूरा किरदार को, रितु के पापा तो का किए कि तो पगल घंट न आए थे, तो लगता मुनवा बुझा इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा था कि हमको खबर गया है कि यही है कि दो बार खबर गया है यही है, तो जानते हो ये तो का किए, ये समुआ बोल रहा था गया था। हाँ तब ना फिर हमको मजबूरी में करना पड़ा है, पाँच छह गो पुलिस ना नहीं सुनिए ना, जो निकम्मा आज किए हैं वही कमा आपको शुरू करना चाहिए था। ये बात है शुरू नहीं के तो नहीं ना, तो फिर इन्हें नहीं आता तो नहीं छोड़ दिए थे कि जाने दो, उतना लूट के ले गया है मेरा गुरु के कृपा से, उतना बेटा कमा लेगा उतना मेरा किराया आ जाएगा, टेंशन नहीं लिए छोड़ दिए कि जाने। सुनिए ना गुरु के कृपा गया ना अनिता, मेरा बेटा मिल गया यही हम सबसे बड़ा बात समझे कि बस मेरा सारा धन मेरा बेटी है, ठीक ना। सुने ना बात को हम नहीं करने के कारण आज हमारा फिर ईद हो रहा है, फिर एने आया और घर में सगरो ताला तोड़ के खोजते चला, वो तो रितु के पापा ऊपरे वाला दरवाजा खुले है पर्दा गिरेले थे, अब बत्ती बुता के सांझे वाला गाड़ी से चल गए थे, देहात आ गए थे, नहीं तो ये हमारा अनिता हम बर्दाश्त नहीं अब कर सकते हैं, हम इसको तीनों थाना सगरो जमुई और फतुहा सगरो दे दिए हैं, तुम लोग को कुछ भी नहीं है, ये दोनों का है ठीक है। नहीं सुनिए ना, यही काम आपको शुरू करना चाहिए, हर पल आपको साथ दिए हैं, बीच में फोन करना बंद कर दिए, बात करना बंद कर दिए, आपको समाचार की बेटी के ब्याह हमको बाप रे वो 1 लाख का गहना ठग लिया था, तुम नहीं रहती माध्यम से अनिता मिला है। सुनिए सारा गाना देखिए, ये समाज के कहने में आ जाता है कि उसकी पत्नी है तो आपका साथ नहीं देगी, वो अपने पति का साथ देगी, नहीं वो गलत रास्ते पे है, अगर बेटा भी रहता हम उसको भी नहीं बख्शेंगे, हमारा बेटा जब नजायज कर रहा है जानती हो नहीं अब में FIR में भी तुम्हारा बड़ाई ही है, एक बात FIR पढ़ के भी देखना, FIR में भी कह रहा है कि ओकर औरत के बड़ाई लिख रहे हैं तो उसके हेल्प से, तो उसका पत्नी है तो दोनों एक ही ना है, वो कमा के ले जाता है सबको खिलाता है। सुनिए ना, नहीं नहीं आज तक वो फोन नहीं करता है, कौन ऐसा इंसान होगा कि अपने बच्चे पर ममता नहीं होगा, भगवान सूरज मुंह पर उगल है, फिर कभी फोन तक नहीं करता है वो, समझे देखी ना कि 10 साल फोन तक नहीं करता है रहा, 10 साल छोड़ के फिर अनीता से काम हो जाता है, कैसे मना वहाँ फोन खोते जमुई के फोन मिला है उसके पास, कहाँ के रहने वाला है उसके पास, हम मैंने हम तो सोच रहे थे केस वो लोग मैंने उठा ले, समझे हम उठावे का कहना है कि जब जो हुआ था हुआ, तुम लोग जो करता है ठीक करता है, आज न कल कहियो मरा कट आ जाएगा, इसलिए कि एक तो चोरी डकैती वाला रहन, फिर इधर माने जो बताओ हम तो छोड़ दिए साल भर हो गया, आई झूठों के शादी के मैटर बना के का किया कि अथी पैसा तो ले ही लिया इतना लूट लिया, तो हम कहे छोड़िए जाने दीजिए, अब उस लूट लिया तो मराएगा, अरे बाप रे बाबू मराएगा, कहाँ है आप, उसका खानदान खराब है समझे, आप तो खुद ही जान रही है कुआ इतना और सारा खानदान है चोर चिनार ठठेरा लुटेरा है, जानते हैं ऐसा खानदान खमा जानते हैं, हम तो शादी नहीं किया, हमारी जिंदगी से खिलवाड़ किया है, तुमको भी तो करा के फुसला के कर ही लिया, एक कट्ठा जमीने खातिर न तुमको भी फुसलाया, आखिर के गड़गड़ा के कर लिया, आज 4 में बजे 3 में बच्चा गोल में बेड़ी में बांध दिया, हमको हम कौन रहा तो छोड़ा अनिता, उसको पड़ेगा उसका नोए नो धरे धर पड़ेगा, वो कभी ना
नहीं पड़ेगा, कैसे कह रहे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, जानते हैं हम आपके पास जाने वाले थे कि हमको छुट्टी मिलेगा तो हम जाएंगे उनसे मिलेंगे, ऐसा ना कि हम देख के हड़प जाएंगे। हम जो नजायज चलने वाले को, गलत चलने वाले को हम कभी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए जान मेरा चल जाए। देखो आपका, हम आपके बारे में कहे कि जब आप FIR में भी आपके बारे में कोई गलत बात, देखिए देखिए हर पला को साथ दिया, यहाँ तक कि रात में बच्चा को पुलिस लेके जा चढ़ने वाला था घर में, फिर भी आपको वहाँ तक खबर दिए हैं कि वहाँ से जल्दी भागी है, तो लोग जाए वाला है हर पल, आपको समय पर हम समाचार देते हैं। माने देखो हर पल हमको मदद, जब ये उतना गहना ठग के ले गया, फिर भी हम लोग सीधे साधे इंसान को जो ठगता है ना अनिता, वो कभी चैन से नहीं रोटी खाएगा। मान लीजिए कि हम नहीं रहते तो गाना मिल जाता, हम नहीं रहता तो बेटा दे देता, माध्यम से नहीं देता। आज कितना ठग ठके रहा, कैसे करके लेके चला गया सब गाना, वो तो तुम बताई देती तो वो मिलने वाला था। अब आज बताइए कि तुम पर जात के लेकर के छोटा उसर मुसर के लेकर के उस पर जानकर जनरल बेटी के तुम लेकर के तुम मैच मौज कर रहे हो, तुम अपन खून अपन जात मौज तुम हमारे जिंदगी से खिलवा के गए हैं, बच्चा है उससे तुमको ममता नहीं है, वेट कर रहा है अपन प्यारा प्यारा बाल बच्चा को छोड़ के, कितना घटना कितना शादी विवाह तो छोटा है, अपन पैसा कमाने के लिए मैटर बना रहा है कि अब धन किसी तरह, जानती हो तुम ये बात बोली थी ना अनिता कि वो कह रहा है कि यहाँ से शादी करा के उसको मार देंगे सब धन हो जाएगा, गोली मार देंगे, ये बात बोली थी ना तुम कि गोली मार देगा आपका बेटा का, और मार देवे करता करता है और धन में ला ना, वो जूठो के कहता की शादी हो गया है। हम ये लगे आप गुस्सा कर रहे हैं, हम भी देखिए हर पर साथ दिए, हमारा नंबर का है थाना में दे दी है, मतलब वो हमको टॉर्चर कर रहा है, बताइए। नहीं नंबर वो इसलिए दिया गया कि छोटा छोटी के नंबर चेंज कर ले है, वो नंबर नहीं लग रहा था तो हम अनिता के दिए। कल फिर फोन किया वो उनमें फोन से गड़िया रही है ना सुबह गड़िया रहे तो हमारा तो ध्यान ही नहीं रहा, ऐसी तो वही नंबर फिर मैंने व्हाट्सएप भी कर दी है, तब यही न मरवाना। देखिए जो जो हमको छोड़ दिए छोड़ चुका, हमारे बाल बच्चों को नहीं पूछता जाता है, न वो कभी फोन करता है ना हम कभी करते हैं, ये भी बात आपको पुलिस थाना वाला बोलिस होगा, उससे हमको कोई लगाव नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप बोल दिए ना कि हम उससे कोई माने मतलब नहीं है। हाँ बोल दिया कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लगाव नहीं है, नहीं मेरे पास फोन करता है। अरे वो जानते हैं रमनी भर का 75 को सिम रखा है सब है सब बदल बदल के रख ले, अब हम तो तुम्हारा नंबर है वो याद था तो कहे कि नंबर से कहीं कॉन्टेक्ट हो सकता है वो सब से। हाँ तो उनका मतलब हो पूछा होगा कोई साथ दे दिए, मतलब कि आदमी न किए उसको। हाँ शंभुआ भी फोन नहीं समझ में नहीं किए, उसके मोहल्ला में उसके उसको लेकर के वो आई थी रमदीप छिंदी तेने वो जो है वो भरी तो उसके जरिए हम उसका नंबर मतलब कि बहुत दिन पहले लिया तो कहे कि कुछ भी होगा तो हमारा भी फोन करी है, वो कैसे खोजते खोजते थे कॉपी में मिला नंबर तो उसके पास हम की है, तो हम बोले कि हम हाँ तो हम बोले उसको कि अगर वो अगर भरुआ भेटता है भोसड़ी वाला तो उसको कहो कि जा करके अपना थाना में समझे। हाँ उसके सिवा हम कुछ नहीं बोले हैं, समझे तब ना कुछ कहा। तू फिर मैंने देखो अनिता साल भर हो गया इसका मैटर के इतना बेटा वाला कांड को तो हम छोड़ दिए, फिर कह जेल में बंद करवाइए ना उसको, पाँच बार दस वर्ष होगा जेल में बंद करवाइए ना, तो दया तुरंत अपने पति के लिए आ जाएगा, कितनो चोर चुट्टा है फिर भी अपने पति के लिए तो तुमको ऐबे करेगा, मगर इतना बुरा हुआ इंसान कहीं हम आज तक न देखे, जिसके लिए अनिता छोड़ के जाता था हम लोग बाल बच्चा की तरह न समझते थे, अपने घर में न रखते थे अनिता है, व्यवस्था करते थे कहते थे कि नहीं नहीं चलो अपना भाई अपना जात ब्याज रहे इसको हम क्यों करे वो चुट्टा देखे हमसे पहले से ना उसे जान पहचान है,
ताकि देखे नहीं हमारा हमारा परिवार हमारा खानदान इंसान है शरीफ है हमारा बाप माए हमारा बाप माए परिवार इतना बढ़िया आदमी है सब वो चोर उचक्का है किस तरह इसको बलगरा फुसला के ऐसी कर दिया है। हमारा बाप माए अच्छा संस्कार दिया है ऐसे कैसे यही बाकी हम कहा करे हम इसे अब हम तो हम इससे चेंगुल में फंस गए अब जिसमें में तीन सौ बच्चा है अब हम न घर के है न घाट के बताइए। चलो भोला जवान हो गया क्या करेगा उसी का आयास करो जितना वो करे बाकी एक बात आप कहती है ना संस्कारहीन होने के बाद अभी रावण कितना अत्याचारी था अत्याचार करता था इतना अत्याचार पाप का घड़ा भर गया फूट गया उसी तरह एक दिन फूट जाएगा बताओ जात उसको पैसा नहीं ना फूटेगा देखे जो जो पाप करता है ना उसी को भगवान फलवो करता है जान लीजिए जो पाप करता है सुनो नीता आज न कल उसका प्रभाव मिल जाता है उसका फल मिल जाता है वो आदमी भोग की धरती पर जाता है अपने कर्म कमाई का जो भोग है उसको भोग के ही मरता है ये जान लो जानते हैं जो जो इंसानियत से कमा रहा है जो इंसानियत से मेहनत खून सुखा के कमा रहा है उसको रोटी पर नमक नहीं है कि का हम लोग कितना परिश्रम से हमको छुट्टी रहता है नहीं तो जान ना रही हम ड्यूटी करे वाला आदमी को हम भाग दौड़ करते रहते हैं हमको टाइम मिलता है नहीं तो इसी के जैसा नहीं तो चोर उचक्का है घूमते रहता है पॉकेट मारी करते चलता है चोर ये सब कर ही ला है इसका एकदम ही बाप रे घटिया इंसान हम फिर कैसे कैसे मेरे घर में ये हो गया फिर हम तो छोड़ दिए कि जाने दो इतना ले गया रुपया तो ले गया मगर फिर जान थाना वाला बोला कि थाना वाला वो नाम ना ना दिया है हमारा ना तुम्हारा नाम नहीं है ना ना खाली उधारा ना आना दिन चाय मिलेगा संडे के दिन सतैसा है भतीजा के इसलिए तो हम नहीं संडे को मिल सकेंगे संडे के छुट्टी रहता है ना आएंगे आएंगे हाँ उसके लिए फिक्र रहिए हम जहाँ भी है हम सही है उसके लिए फिक्र रहिए उसके लिए हम तुम्हारा भोला के कसम दिए तब तुम मेरे बच्चे को बचाई थी कि तुम अपने बच्चे के सारे भोला के मेरे बेटे की जगह पर कोई ले जाता तो तुमको कैसा लगता समझ रही हो ना है अरे सुनिए अगर आप भोला का कसम देखिए भोला का कसम दीजिए या मत दीजिए माँ का एक धर्म होता है कि अपने बच्चे को रक्षा करे किसी का भी बच्चा हो आपका बच्चा हो तो मेरा बच्चा नहीं है हम किस स्थिति में जब बेटा को मेरा लेके चला गया था तो हम किस परिस्थिति में थे तो हम ही नहीं समझते हैं उसका पढ़ाई जो पीएचडी कर रहा है उसका सब पढ़ाई लिखाई सर इतना सीधा साधा लड़का को क्या क्या टॉर्चर किया बाप रे बाप उतना माने कि जो छल प्रपंच कोई चीज नहीं एकदम निश्चल है लेक निकल गया था कैसे तो हम भौरा के रखे भगवान के गुरु की कृपा हुआ कि हमको गुरु हमको रहा था कि कैसे कैसे होकर मती घूम रहा है रहा सिटी में जाके हुआ कैसे तो फोन किया कि आओ कंकर जल्दी जल्दी ऐसा मैंने कहा बात था कि आओ आओ इमरजेंसी बात है गए थे हमको कार दिखाया कि ऐसा ऐसा बात है मैम की बोलबो कि तुम बहुत गलत काम किया है तू समझा बताओ मैंने लड़का लड़की के कमी हो गई चोट चोट ताकि तू किसी के ऐसी मुसीहर डोमिन चमन से धन के लोभ में केकरो फंसा दोगे है एगो कहने का मतलब कि एगो जातो भाई ना मुसहरिन से तू ब्याह कर लिया चार को तो सब कर लेगा गिरा हुआ इंसान है एकदम इसको इज्जत से मतलब नहीं है बाप रे बाप एकदम इज्जत से मतलब नहीं है हमको शर्म से मुंह न उठा कि तू को बाल जकरा छोड़ के अपने ऐश कर रहा है भी और उसी के बाद पर विश्वास कर लेता है कई दिन गली घूमते रहता है हर रमा किरदार कहता है कि दोनों लंगड़ा लंगड़ी आव आयल था कि मालिक ना है मालिक क्या मालिक से खोजता है जी उतना लूट के ले गया था हमरा बोलना चाहिए था तो हमने छोड़ दिए उतना लूट के ले गया है सारा चीज ले गया बाप रे एटीएम कार्ड से ले के रुपया से गहना सब लेके चल गया फिर भी हम लोग कहे संतोषम परम सुखम जाने तो हमारा भाग्य रहेगा वही होगा अरे छोड़ा भीतर जाएगा पाँच बरस दस पाँच पाँच बरस अंदर रहेगा लंगड़ी को खर्चा ठंड रहेगा लंगड़ी गलत आदमी से एक दिन देखो अनीता हम लोग माने कि एक शुरू से तुम तो सारा हम लोग के बारे में जानते हो हम लोग एक अच्छे इंसान है हम लोग कोई हमारे बाल बच्चा सब कोई आवारा नहीं है हम तुम्हारे पर ना घर छोड़ के चल जाते थे विश्वास पर न देखिए हाँ देखिए अब हम ऐसा नहीं है ना हमारा बाप ऐसा संस्कार दिया ना छोड़ के चल रहे थे तुम्हारे पर चल जाते थे ड्यूटी करे ना ही हम ऐसा सोचते थे समझे कि हम ना ही हमारे हम कहते हैं भगवान हमारे दिमाग में कचरा मत उठाइएगा
कि हम ऐसा कभी गलत कर रहे हैं। बस भगवान से हमारा यही गुरु से प्रार्थना रहता है कि हे प्रभु हमने हाँ। किसी को आज तक किसी को भी नहीं कष्ट देना चाहते हैं, आदमी को क्यों कष्ट दें। अब बिना में पुलिस दरोगा करके अरे वर्दी भारी झूठो झूठो अनिता पांच छह गो आदमी यहाँ के रात में जैकेट उकेट पहने रहता है झूठो झूठो ला के कहते हैं हम पुलिस हैं खोलो खोलो करके घुसा है। ये चार पांच दिन हो गया ना, पांच छह दिन रात में चार तीन रात में, तब ना फिर हमको मजबूर होके करना पड़ा ना, तो हम तो छोड़िए दिए थे कि जाने दो हम लोग को टाइम नहीं। जब जब एक बात हमारे बोली हम रात में बात की है तो बोला कि हम घर पे आ गए हैं, बाकी बोला कि हम उनके घर पे गए थे ममता देवी के घर पे इंक्वायरी के लिए, ये बात बोला है वो ये न बोला है हाँ। थाना वाला ने बोला है हाँ, तो वो तो मेरे घर पर गए किया है हाँ वो कहा था। अच्छा बताइए माता जी मैंने बताइए ये मैंने क्या वाला कहने का मतलब मेरा अपराध तो बताओ, मेरा क्या अपराध है कि तुम इस तरह कर रहे हो, मेरा मैंने क्या हम लोग अपराध किए हैं, चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, क्या किए हैं कि तुम पुलिस ले लेके घर में घुसाते हो बिना खद्दी बदी के। वो पुलिस उलिस है वो जानते हैं ओकरे ग्रुप के जो चोर होता है ना उसी सबको लेके जाता है। अपन थाना कह रहा है कि हम लोग गए नहीं किए हैं कहियो हाँ, जो पत्रकार नगर थाना बोल रहा है कि हम गए नहीं किए हैं तो चोरे उचा का हम नहीं गए हैं कि हम नहीं गए हैं ना, ये तो मैंने हम केस किए हैं तब जांच पड़ताल में गया है, जैसे हम किए ना तब मेरे घर पर गया है हाँ। आ ये सब हुआ मैंने कि रात में जो घुसा ना तो पांच छह आदमी हाँ। के लेके आ कहा कि पुलिस स्टाफ कह के खुलवाया दरवाजा हाँ गया होगा 3 बजे रात गया में खुलवाया कहा कि ककरो खोज ले चला कि घर मालिक नहीं है नहीं है सोचिए कह रहे कि 20 लाख रुपया दे या ना तो ओकर बेटा के हम जिंदा न छोड़बे ऐसे बताइए किरदार किरदार कह रहा है कि हम लोग कैसे रहेंगे, हम मान लीजिए कि हमारा 10-15 हजार किराया आ रहा है तो तू सबके हड़कैले भड़कैले रही थे एक दिन ना कर मैंने सब खाली करके खाली करके भाग जाए तो बोले नहीं कि आप लोग अच्छे रहिए हम है ना कह रहा है कहे किया कि मेरा घर है तुम लोग जाओ यहाँ से ऐसे कह रहा है कहली कि उसको कहने तो कहा वो कह रहा है इस मुहे बोल रहा है कि मेरा घर है तुम लोग खाली करके भागो यहाँ से ये लोग बोला है न बोला है कानून के शरण में जाना पड़ा अनिता ना तो इतना हमको बेटा मिल गया था हम बस सब छोड़ दिए थे सब भूल गए थे कि जाने दो। अरे आप फोन नहीं ना करती हैं कहा करे हम तो जासूसी नहीं चोर चोरता से कुछ कीजिएगा हम अपना समझ के आपको सारा बात बोल देते हैं ठीक ना हम लोग से बात देखिए जब जब हमको जब हम आपको सही समझते तो आपको हर फुल साथ दिए हैं जब तक मैंने ऐसी होगा जब तक साथ देंगे ये समझ लीजिए वही ना गलत के साथ कभी नहीं देना जब तक साथ देंगे है कि तुम्हारा भी बेटा है गलत के साथ तो कभी नहीं देना कभी नहीं देना गलत वो भूल जाए हमारा माँ बाप हमारा जो ऐसा नहीं है मेरा परिवार खानदान ऐसा नहीं है खानदान खराब है हम क्या करें तो इसके फेरा में हम पड़ गए अब हमारी क्या जिंदगी है कि तो हम ही जान रहे हैं खाली बच्चा का मुंह देख के हम जिंदा है तीन बच्चा लेके हमको तो जवान बेटा लेके जो बिलट रहा है किराया किराया भर रहा है उलाज शर्म उस आदमी को है हरिन के लेके ऐश कर रहा है जाके धन के लोभ में बताइए ऐश कर रहा है फटना फतुहा जमुई घूम रहा है ऐसी कर रहा है घर में घूमता ही रहता है हर बार हम लोग को सोचे पड़ता है अपन ड्यूटी जाते हैं तो जानते हैं अनिता कि हम पास कटाए हुए हैं बाकर वहीं रहते हैं हम यहाँ बीच बीच में कभी आते हैं और नहीं तो हम वहीं रहते हैं काहे ना कि रोज रोज आना जाना हमको पैर जब से पैर फ्रैक्चर हो गया था ना तो पैर के महीना प्लास्टर रहा इसलिए हम ज्यादा आना जाना नहीं कर रहे हैं हम टेंशन में हमारे हमर नंबर का हाला दे दिए हमारे कह दिया थाना वाला हमको तो उसमें के सुने कि आप ही के हेल्प से तो मेरा काम हुआ है आप ही के हेल्प हाँ, से लिखा गया है FIR में भी पुलिस कुछ बताया आपको पुलिस बताया आपको फोन किया था क्या कहा
क्या परकेश है? हम तो अरे हम नहीं थे, मेरे पास वो मोबाइल घरे था, बउआ ले रहा था तो वही बताया, बता बोल रहा था कि थाना वाला चाचा फोन किया, पीछे सामने घरवा है उनका लड़कावा लिया, तो बोला कि मैंने ऐसा ऐसा बात है कि शंभू यादव पूनम देवी पर मैंने अपहरण केस हुआ है ये। हाँ तो हम आए थे, हम बताऊ तो वो लोग बोला कि इसकी माँ नहीं है, माँ आएगी तो रात में बात कीजिएगा, तब तक वो चलाया था। फिर हम रात में फोन किया उसके पास, बोला कि हम घर पे चलाए हैं कि हम थाना में जाएंगे तो हम कल बात करेंगे, भी बोला मैंने दो दो चार बात बोला। कल शंभू है पुनमी फोन कर रहा है फिर, वो तो बगल में बैठा लोगा कह रहा है ना, सिखा रहा कह रहा है कि बेटवे से अपहरण कर लू, कल आपकी तोरे करवाते वही से आपकी दोनों अच्छा की गोली मरवा दे सीधे केस कर। भगवान सुनिए ना, भगवान कहीं दूर ना बसाए, वो मरुए ज्यादा धरा ले, ओकरे भीतर करवाइए ना, वो थाना वाला पर ऐसा केस ला दीजिए तो ले कर दे भीतर पर 8-10 बरस ला, जानती है समझ आएगा। इंसान आदमी बहुत सोच समझ के चलता है, इंसान आदमी को जानती है ना कि सच सच कहा तो मारा जाए, झूठा जगपति आए, अगर सच बोलती हो तो कोई पति आए ला तैयार नहीं रहता है, कोई पर कोई पति आए ला तैयार नहीं होता है, हर पत्नी जो बोलता है ना झूठे आदमी के ओकर बात लोग मान लेता है, इंसान आदमी बोलता है बात को सच बात को कोई माने ला तैयार ना है। झूठ बोलने वाला को देखिए, झूठ बोलने वाला को हर पल आदमी साथ देता है, चोरी चमार करने वाला हर पल आदमी साथ देता है, इंसान को कोई नहीं साथ देने वाला तैयार रहता है, समझे है कोई साथ। एक दिन जमुई से फोन आया कि आप ममता देवी है, हम कहे कि हाँ, तो शंभू यादव केस क्या कहा है कि केस क्या हुए, तो अपने चोर लुटेरा डाकू है सब तो लूट के मेरा ले गया है सब, वो फिर काट दिया फिर चुन फिर तो कहा है। हाँ फिर एक दिन फोन थी नंबर देखे गया मेरा किरदार के शंभू है, हम जाता आता है तो हमारे किरदार पहचानता नहीं है, कहा कि वही लंगड़ा लंगड़ी दुनो हलवा से आए ललवा तो न रहता है मालिक है। क्या माँ काम है, कैसे सोच रहा है कि धन हो जाए, वो गोतिया नहीं है सब लगल है कि कैसे धन एक सब हर अपने बेटा के कैसे मरवा दे, ऐसे सब लगल है, शुरू ही लगल शुरू से तो लगले था सर है, गोतिया नहीं लगला ही था, एगो इनने से ई कहां से तो ई लोग में नहीं था ये हो गया सर है, नहीं है जो गोतिया नहीं लगल था कि बेटा के क्या क्या करवा दिया, गोतिया नहीं ने मिल के सब कांड करवाया बेटा के है। हम तो कह रहे कि हे भगवान एक बेटे को औलाद दिया है ना, बेटवे जिंदगी बाद रहे, एक बेटवा जवान हुई तो मार के हाथ को सिर से बैठा दे, तू तुरंत फुसल ना जाती है पूनम, वो चोर चोटा के आगे तुरंत फुसल जाती है ना, ओकरा तो नहीं नहीं अब ओकरा अब पहले का बात गए, तुम्हारा जवान बेटा हो गया तुम एगो बेटी ला, बेटी के तुम्हारा भाग जहाँ होगा वहाँ होगा शादी है कि ना। अरे नहीं वो बात नहीं है, मैं वो आप सोच रहे हैं ना कि मुझे तो अगर वैसा बात रहता ना तो आपको कभी हम साथ नहीं देते, कभी नहीं आपको बचाते, हम सोचते कि तो हम है उसको साथ दे कि हम इसको साथ दे, तो वैसा बात मेरे साथ नहीं है, जो मैं जो हम किसी को भी आज तक भलाई किए हैं समझे ना, किसी को भी आज तक हम भलाई किए हैं, सब हमको आज भगवान हमारे बच्चे को दो रोटी जुमा रहा है, कैसे नीमक रोटी जुमा रहा है, कैसे जुमा को भलाई नहीं करती ना तो समझो कि छोड़ के जब गया था तो तुम भी किसी को छोड़ छाड़ के चल जाती कहीं, मगर गुरु के कृपा रहा प्रभु के दया रहा कि तुम अपने बच्चे के परवरिश बढ़िया से कर रही है, पढ़ा लिखा रही है, खिला पिला रही है, चाहे जैसे पढ़ाए मैंने जैसे पढ़ाया जाए नीमक रोटी खा जाए जैसे पढ़ाया, आज पढ़ा रहे हैं ना बच्चे को शिक्षा तो अच्छा शिक्षा तो दे रहे हैं ना कि हाँ जो पढ़ा रही हो ना, अच्छा अच्छा बुद्धि तो दे रहा है ना कि हाँ बेटा चोरी मत करो चमारी मत करो, अच्छा लाइन तो कम से कम दे रहे हैं, हम ऐसा ना कर रहे हैं कि हाँ तो तुम्हारा बाप वैसा निकल गया, हम तो कहते हैं कि कोई तो अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारा बाप का नाम का है तो कहो कि हाँ हमारा बाप कहिए नहीं है मर गया कहिए, क्या करे जाए मजबूरी में, वो इंसान इतना घटिया है इंसान, मैंने लूटा तो लूट भी किया फिर अभी अभी मैंने कि फिर लूट ही के फेर में है कि कहीं सू ही सके तीन गोतिया नहीं समाज को कहने में है फिर हमें है लो। हाँ हाँ क्या करिएगा अब जानते हैं, इसके लिए अपने फिक्र रहिएगा, कभी भी हम देखिए इंसान को हम जानते देने के लिए हम तैयार हाल पर रहते हैं, अनीता हम जानते हैं एक इंसान घर की लड़की है, उसका तो बलगरा फुसला के शादी कर ही लिया आ, वो एक कट्ठा जमीन कर लिया नहीं से कर दिया था तब आओ हमारे जिन
हमारे जिंदगी से खिलवाड़ किया, हमारी जिंदगी से खिलवाड़ किया है, समझे? अरे तो ओकरो जिंदगी से भगवान खिलवाड़ करेंगे, अभी आप नहीं समझ रही हैं, अभी अभी उसका नहीं ना कर रहा है, पुण्य बच रहा है इसीलिए चल फिर रहा है। जैया पुण्य खत्म होगा उस दिन खत्म हो जाएगा। रावण अनिता रावण कितना अत्याचारी था, तो उसका अत्याचार बढ़ते गया बढ़ते गया, अंत में उसको एक दिया बाती जलाने वाला कोई न रह गया अत्याचारी का। हम तो कहेंगे हे भगवान कहिए होगा दीजिए कि हम आँख से देखे, बाकी भगवानों कहाँ बसल है जब तक समझे में ना आता है। नहीं अनिता वो हर घट घट में व्याप रहे हैं, हम आप जितना सब में वही हैं, वो कहीं दूर नहीं है, वो तो खाली खोजने भर है, वो काबा काशी कैलाश मंदिर मस्जिद में नहीं है अनिता, वो तो हम आप सब में व्याप्त है, जब 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 उनको खोजी करोगे जब तुम्हारे पास में है, सांसों के सांस में है, ठीक ना अनिता? इसलिए जो भगवान याद करता है भगवान हमारे भुला गए, हम लोग पहले से हम लोग प्रेम का बात करते रहते थे, हम किस तरह हरामी बाप रे बाप हमको धोखा दे, जान जानते हैं रंगी भर का लंगड़ी के साथ साथ जवड़ही जाएगा, जवड़ही जहाँ तहाँ घूमेगा, शर्म ना लगा लेते मैंने एक क्षण में चोर चुट्टा चुट्टी न रहता होगा, एक क्षण न वो ट्रेन में चोरी डकैती करता है, अपना आते रहता है, जब खुद दे कह रहा था समूह उन्हें कह रहा था, ऋतु के पापा भी बतिया रहा था, कह रहा था कि क्या करे कि बस ये ट्रेन में चढ़ा वही के देखा कि सुतल है मैंने तो ट्रेन में लेके ये पट्टी से पट्टी उतर जाते हैं, ऐसे बताइए किस लिए इतना करते हो जी? केकरा ला करते हो गलत करते हो, गलत के जब पाप के भागी तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, जो कर रहा है अपराध कोई नहीं होगा, एकदम पानी बिना मरोगे हे भगवान, सूरज भगवान मुँह पर उग रहा है, पानी बिना मरोगे तरफ के एक कोई पानी देगा, ऐसा मौका समय आएगा नहीं था ना, तुम सुहागन रहते हुए भी बेसुहागन हो, कहे कि वो हरामी इतना आज नकल वो आज नकल अत्याचार का तो विनाश हो ही जाता है जैसे हो जाए, हमारे जानते हैं हमारी जिंदगी से खिलवाड़ समझे, हमारे बाबूजी कहे थे कि इसको छोड़ दो, हमारे बाबा पापा हमारे कहे थे बाबा पापा हमारे कि इसको छोड़ दो बेटा जिंदगी भर रोते दिन जाएगा, अब यही बात हमारा हो गया, तब देखिए बूढ़ बुजुर्ग के कहल पड़ जाता है, अनिता पापा तुम्हारा गलत थोड़े बताए कहे थे कि छोड़ दो इसको, इसे बोले थे कि छोड़ दो बेटा हम शादी करेंगे दूसरा छोड़ दो जिंदगी भर रोते दिन जाएगा, अब यही हमारा हो गया, रो ही रहे हैं आज हम, ये हमारी जिंदगी से खिलवाड़ किया है, हम तो कहते हैं भगवान हमारी जिंदगी से खिलवाड़ किया है उसका इंसान के साथ लेके वॉइस कर रहा है अपन सुंदर सुंदर बेटा बेटी के छोड़ के है? अरे फोन तक करता है ये, आपको विश्वास नहीं होगा फोन तक नहीं करता है कि हाँ हमारा हमारा बच्चा कैसा है, कि बाप रे इतना बड़ा जवान जवान बेटा बेटी फोन तक नहीं करता है और कैसा हरामी है, ओकरे बात पर सब विश्वास कर लेता है, वो इतना चोर चुट्टा ओकरे बात पर सब विश्वास कर लेता है, फोन तक पैसे जानती हूँ थाना अगमो कुआ का कोई थाना नहीं, जानती हूँ चोरे उचक्का के लेके आयल था पुलिस के नाम पर, कौन ठीक है सबके पुलिस के नाम पर, माने घर में ऐसा खोलता नहीं था तो उसी के नाम पर लेके की खोलबे करेगा, तो ये सब तो खोल दिया किरदार किरदार थाना वाला, वो थाना वाला फोन किया ना तो हम नंबर उसको जानते हैं, तीन चार गो नंबर हिलना नंबर हुआ के एको नंबर लगे नहीं रहा था, एको नंबर लगे नहीं रहा था कोई गो, अरे 75 का सिम रखा है, 75 का सिम रखता है सब, है ये निकाल के वो लगाता है, वो निकाल के वो लगाता है, बस एकरो से बात कर लेगा फिर निकाल के रख देगा, वैसा नहीं हम लोग वैसा आदमी नहीं ना है अनिता, हम लोग एक इंसान आदमी है, हम लोग अच्छा से भगवान के भक्त हैं, हम लोग गुरु के भक्त हैं, हम लोग किसी को सताना नहीं चाहते हैं, मजबूर हो के फिर हमको FIR करना पड़ा है, जानती है अनिता मजबूर हो देखना पड़ा है, काहे किसी को सताए हैं हम, किसी को कष्ट दे काहे किस लिए दे रहे हैं, हमको देने वाला कष्ट कौन होता है बताइए, मैंने जितना बना है वो तो वो हम जानती हूँ अनिता, बड़ी वो गुड़िया के मम्मी आती थी 200 दे दू मैडम, कहिया हमरा से पैसा नहीं लूटा, हम सीधा आदमी देते गए, सीधा आदमी देते पहुँचा रहता था एकदम भोरे में माए बेटी दोनों,
जानते हैं मुकेश का मम्मी, इसका खानदान खराब है, इसका परिवार अगर खानदान खराब है तो ये परिवार सही है कर पहले ये परिवार सही है। आई मुन्ना मुन्ना तो और घटिया है, मुन्ने तो इसका पूले खानदान तो इसने है, मुन्ना मुन्ना तो आओ चुस्की ले। हाँ तो आपको पता का है सब वो आओ सोच रहा लो ना कि थी आओ कि वो ना कहा तब नहीं बोल रहा था कि हाँ आयल हो रही तू पापा दो दिन से आयल थे घर है पटना। हाँ वो बताया कि दो दिन से आयल था, हम देखे हैं, हमको खबर गया है, फोन किया हुआ है। हाँ बाकी झूठ बोलता है करे उसमें आप मत घबराइएगा, हम हर पल आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, बस हमें इतना जानते हैं। हम नहीं घबराते हैं अनीता, हम एकदम नहीं घबराते हैं, हम समझी ना, हम गुरु के भक्त हैं, हम लोग अधजल गगरी नहीं है छलकने वाले, हम लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे इंसान है, कोई हम लोग जान ही रहे हो कि हम MA पास करके एक छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं, आज हम माने क्या करते, बाकी मेरा नसीब साथ नहीं दे रहा है तब ना। अरे कैसा हूँ, हम तो चाहते हैं कि उसको भीतर करवाइए, 5 बरस लगे लग रही दिमाग कहीं कुछ खोले कैसे कुछ खर्चावा होना चाहिए ना, भीतर करवाइए ना पहले कैसे करके। कोई कहा कि वो जितना लूट खसोट करता है तो सब पत्नी को बांट के खिलाता होगा देता होगा कि हाँ। नहीं 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 ये गलत बात है, ये सबको पूछबे ना करता है, वो अपन धुन में रहता है कि नहीं नहीं गलत बात है, हम उससे 1 रुपया एक बार सोल तो मुँह पानी लगा बने मुँह पर भगवान से सूरज भोरे भोरे हम 1 रुपया नहीं जानते हैं। हम ऐसा दुनिया संसार में न होगा अनीता, इसलिए कभी मौका मिलेगा तो आइएगा, काहे कि हमको तो अपने टाइम नहीं मिलता है अनीता, हम हो तो परेशान रहते हैं, हम तो अपने यहाँ पढ़ते रहते हैं, हम अकेला आदमी जान ही रही हो कि ड्यूटी करेंगे, दो जगह का घर देखना रहता है, यहाँ वहाँ घर देखना रहता है, क्या कीजिएगा, किराया लेने के लिए आएगा, अब किराया कहेगा कि परसों नहीं है चौथा रोज आइए नहीं देता है तो फिर हमारा भागे दौड़ना करे पड़ता है। हाँ ये है, टाइम मिलता है तो मिलिए भेज कीजिए, लगे फिक्र रहिएगा, नहीं है आप मत घबराइएगा, आपके लिए मेरा दरवाजा हर हमेशा खुला रहता है, मगर वो चोर चोर देखिए हम हर किसी को भी, आप ही को हम साथ देने के लिए तैयार, हर किसी को भी हम हर पल साथ देने के लिए तैयार आते हैं, हम कहते हैं देखो हम इंसान आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, हम इंसानियत से 2 रोटी कमा खा रहे हैं, वो बात अलग है, हमारे में वो लंद फंद चोरी के साथ दोगे तो उसका पाप जो है तुम्हारा भी लग जाएगा, इसलिए उसको मदद। हाँ हम मदद देखिए हाई अकेला तो बोल रहे थे बेटा जी, अगर नजाइज नहीं कर तो उसको भी हम साथ नहीं देंगे, जैसा करेगा वैसा भोगेगा, बस बस अपना जो कर्म कर रहा है तो भोगबे करेगा अनीता, मगर भोगबे करेगा, हम लोग चोर उचक्का रहे हैं, जैसे हम पूछते हैं कि अपराध बताओ, मेरा अपराध क्या है कि तुम मेरे घर में पुलिस और दरोगा लेके आते हो बिना खदी बदी के, है कोई मैटर है केवल लोभ में ठीक है ना, अगर बेटा के मरवा दे ठीक है, देखना तू फेरा में है सदिया करे के चक्कर में है, हाँ सहनिया के कैसू बेटी के हाँ, दे एक मार दे बस ओकरे माध्यम से सब धन हो जाए, छोटा जातना है ओकरे बेटी से ब्याह करेंगे मारा चक्के गोली ना मार रही हमें, उसको काहे अथी करेंगे कोनो माने की बात है की ना ना अब बात है कि हमारा जात बिहार गया है, हाँ हमारे एक बात है कि है? अगर बेटा चाहेगा तो उसको जात वहाँ जहाँ PhD कर रहा है वहाँ लड़की की कमी है रे, है? है? कमी है, शहरी से शादी करेगा बताओ, ठीक है वनीता बताओ, अब ड्यूटी जा रही है ठीक है, मौका मिलेगा आइएगा ठीक है, आइएगा बोलिएगा, समय मिलेगा भेंट करिएगा ठीक ना, संडे के दिन छुट्टी रहेगा तो, और संडे के दिन अभी तो हमको सतेशा में जाना है इसलिए संडे की भी छुट्टी नहीं रहेगा, ठीक ठीक है वो दिन छुट्टी रहेगा।